हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है कटहल आई जेक फ्रूट मिस्ट्री तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक जानकारी मिलेगी इसके अलावा फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताने वाले साथ ही में फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज के बारे में बातचीत की जाएगी अलग अलग इस के ऊपर डीप में चर्चा की जाएगी और साथ ही में इस फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग जो तथ्य है वो भी शेयर किए जाएंगे तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कथल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स ख़रीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते थे ओ टी टी रिलीज़ फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइज में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीख एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो हर्षवीर ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रेरणा ने इस फिल्म की एडिटिंग की है जिन्होंने मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म काफ़ी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है करीबन एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था वहीं पर फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है संपत राम संपत ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए जहां पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पे लाला लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल रे करके गाना निखार चलो और गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियल रिलीज करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सानिया मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वी जोशी देखने को मिलेंगे एसपी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राजपाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कॉन्स्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तव श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ है ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पर अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है है का रोल है। वो सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेप अप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फ़िल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल को प्रीमियर करवाया थे जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीजों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहां पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सिक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल एमएलए एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिविल की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई हुए फिल्म को काफी नेचुरल रखता है फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है डायरेक्टर ने खूब काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहां पर फिल्म होनी चाहिए थी तो वहां पर बढ़िया तरीके से चीजों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीजें सटायर मैनर में कॉमेडी रोनर के साथ उन्होंने दिखा खाने की कोशिश की हुए तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटहल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स ख़रीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते ओ टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीख एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीडर कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा नेहाब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो हर्षवीर ओबेराय ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रेरणा सहगल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म काफी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है करीबन एक मिनट का रन टाइम है यानी कि फिल्म आपको दो एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला था वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है संपत राम संपत ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहन्ती ने गाया हुआ था वहीं पर लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था वहीं पे पर सोना मोहपात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियल रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राज रामकृपाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्री श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलते हैं चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमूंत की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेसंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेट एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉस मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके कैसे से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफ़ी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सानिया मल्होत्रा प्ले है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गाँव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मेटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया जाता है इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कटहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल है एम के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पर विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ सिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर है डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहाँ पे फिल्म होनी चाहिए थी तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीज़ें सटायर मैनर में कॉमेडी कॉमेडीनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ़ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशंस दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन प्रीमियर करवाया है जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को आप देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स ख़रीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर ऑन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते ओ टी टी रिलीज़ फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइज में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत तो हर्षीर ओबेरा ने इस फिल्म की घंटे से, की की से कम का रन टाइम एक सौ एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था वहीं पर फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ संपत राम संपत ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए जहां पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पे ला लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल रे करके गाना निखार चलो और गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज साघवी का रोल राज पाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमोन की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेप अप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फ़िल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल को प्रीमियर करवाया होता थे जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीजों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीज़र ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सानिया मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है। वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गाँव उसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मेटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सिक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही तो उसको वो ख़त्म करना चाहते चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल है एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर डायरेक्टर ने बहुत भी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस पे फिल्म होनी चाहिए थी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीजें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीजें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशंस दिखाए हुए थे गांव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे जरूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया है जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कटल ए जे फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कटल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कठल ए जे फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कठल नाम से भी जाना जाता है यह एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटाइरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स ख़रीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज है कैंसिल करवाते ओ टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखिया एंटरटेनमेंट बालाजी मोसन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करे तो हर्षवीर ओबे ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रेरणा सेगल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म काफी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ करीब है करीबन एक मिनट का रन टाइम है यानी कि फिल्म आपको दो एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला था वहीं पर इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ संपत राम संपत ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए जहाँ पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहन्ती ने गाया हुआ था वहीं पर लाल लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहत ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल रे करके गाना निखार चलो और गाना भी गवाया हुआ था टोटल तीन गाने थे जिसके रेड सी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में वी जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धाती ने प्ले किया हुआ है एमएलए एल ए मुन्नालाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज साघवी का रोल राजपाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कॉन्स्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तव श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ है ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पर अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है की वाप का रोल है है वो सिंह ने प्ले किया हुआ बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेसंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेस एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेबर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके कैसे डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफ़ी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को है वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गाँव उसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मेटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कटहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानि कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का, चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटल है एम के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पर विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी चुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहाँ पे फिल्म होनी चाहिए थी तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीज़ें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को आप देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कटल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कठहल नाम से भी जाना जाता है ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज है कैंसिल करवाते ओ टी रिलीज़ फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में

के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ संपत राम संपत ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए जहाँ पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पर लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोह पात्रा ने गाया हुआ था वहीं पे सोहा सोना मोहपात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बेंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एम एल ए मुन्नालाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राज पाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेप अप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फ़िल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल को प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफ़ी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों का जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ में में सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सानिया मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया जाता है इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानियाँ स्ानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है, तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिवील की जाती तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर डायरेक्टर ने बको भी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया दिखाने की कोशिश की है तो वो सभी चीजें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशंस दिखाए हुए थे गांव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे जरूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कटहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कटल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटहल नाम से भी जाना जाता है ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते ओ टी, टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइज में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीख एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी, जोशी विजय राज, राजपाल यादव बातचीत करें तो हर्षवीर प्रेरणा ने इस फिल्म की एडिटिंग की रन टाइम दिया हुए। फिल्म काफी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है करीबन एक मिनट का रन टाइम है यानी कि फिल्म आपको दो एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला था वहीं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है संपत राम संपत ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए जहाँ पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहन्ती ने गाया हुआ था वहीं पे लल्ला लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद अमजदा और सोना मोहत पात्रा ने गाया हुआ था वहीं पर सोहा मो, सोना मोहपात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेट जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एम एल ए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज साघवी का रोल राज पाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तव श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलते हैं चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की यूटूब चैनल को प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीज़ें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ में में सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सानिया मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सिक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटल है एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई हुए फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस पे पे फिल्म होनी चाहिए थी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीजें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई तो वो सभी चीजें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशंस दिखाए हुए थे गांव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को करीबन पैंसठ सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठहल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटहल नाम से भी जाना जाता है ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज है कैंसिल करवाते ओ टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पे फिल्म के लीड कास्ट आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राजपाल राज, यादव ब्रिजेंद्र काला और जैसे देखने को मिलते हैं तो है। की की प्रेरणा की एडिटिंग की हुए। एक का दिया हुए। के फिल्म काफी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है करीबन एक मिनट का रन टाइम की पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला था वहीं पर फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है संपत राम संपत ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैतीस सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पर लल्ला लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद अमजदा और सोना मोहत पात्रा ने गाया हुआ था वहीं पे सो मुँ, सोना मोहपात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ था टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एसपी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राजपाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कॉन्स्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तवा श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ है ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पर अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलते चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेप अप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेबर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल के प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके कैसे से डायरेक्टर ने सेटअप किए हुए थी वो काफ़ी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से देख बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस है जिसका रोल आपको पता है कि सानिया मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एमएलए जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गाँव उसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मेटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानि कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल एमएलए एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर है डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फ़नी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहाँ जहाँ पे फिल्म होनी चाहिए थी वहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीज़ें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ आप इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कटल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कठल ए जे फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटाकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज है कैंसिल करवाते थे ओ टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट

के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ संपत्त राम संपत ने जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए जहाँ पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पर आ, लेला लेलाली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था वहीं पे सोहा सोना मोहपात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सानिया मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीज जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एम एल ए मुन्ना लाल पाटरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगी का रोल राज यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्री श्रीवास्तव श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलते है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की यूट्यूब चैनल को प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफ़ी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गाँव उसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मेटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कटहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटल है एम के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पर विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिविल की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी चुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहाँ जहाँ पर फिल्म होनी चाहिए थी तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीज़ें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को करीबन पैंसठ सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को आप देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कठल ए जे फ्रूट मिश्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर वि सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कठल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते ओ टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइज में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखिया एंटरटेनमेंट बालाजी मोसन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत

मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैतीस से सेकंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पर ला लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहत ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो और गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड सी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राज पाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेप अप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फ़िल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर सेटअप किए हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीजों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सानिया मल्होत्रा प्ले है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को है वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया जाता है इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कटल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरिया में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है, तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटल है एम के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिवील की जाती तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है डायरेक्टर ने भी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स थे वो बढ़िया थे सीरियस जहां पे फिल्म होनी चाहिए थी पे बढ़िया तरीके से चीजों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीजें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीजें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशंस दिखाए हुए थे गांव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया है जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को करीबन पैंसठ सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ आप इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कथल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटाइरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज है कैंसिल करवाते थे ओ टी, टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइज में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंचित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पे फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो हर्ष ओबेराय ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रेरणा ने इस फिल्म की एडिटिंग की है जिन्होंने 115 मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म काफ़ी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है करीबन 115 मिनट का रन टाइम है यानी कि फिल्म आपको दो एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला था वहीं पर फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है संपत राम संपत ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए जहां पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पर लाल लली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने नौ मई दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एसपी पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज साघवी का रोल राजपाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सैद के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कॉन्स्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तवा श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पर अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अम की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियल फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कम्प्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशंस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेस एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की के यूट्यूब चैनल के को प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके कैसे डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीजों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को है वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गाँव उसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मेटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानि कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल है के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिविल की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई फिल्म को काफी नेचुरल रखता है आप फिल्म को थोड़ा बहुत मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहां पर फिल्म होनी चाहिए थी तो वहां पर बढ़िया तरीके से चीजों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीजें सटायर मैनर में कॉमेडी ओनर के साथ उन्होंने दिखा खाने की कोशिश की हुए तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी ई पे इस फिल्म को करीबन पैंसठ सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कटल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटहल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स खरीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज है कैंसिल करवाते ओ टी, टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पे फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो हर्षवीर ओबेराय ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रेरणा सहगल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म काफ़ी क्रिस्प नजर आएगी दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है करीबन एक मिनट का रन टाइम है यानी कि फिल्म आपको दो एक घंटे और पचपन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला था वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है संपत राम संपत ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं जहां पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे 9 मिनट 37 से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको जीतू राजमोहनती ने गाया हुआ था वहीं पे लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोह पात्रा ने गाया हुआ था वहीं पे पर सोना मोह पात्रा के पास निकल चलो रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सानिया मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज साघवी का रोल राज पाल यादव ने प्ले किया हुआ गुलाब के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ श्री का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पे अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशन बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया के यूट्यूब चैनल के प्रीमियर करवाया हुआ जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीज़ें दिखाई गई वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफ़ी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एमएलए जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है? वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सिक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया जाता है इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कटहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटल एमएलए एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी जी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पर विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज़ काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी चरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर है डायरेक्टर ने बखूबी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहाँ पे फिल्म होनी चाहिए थी तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीज़ें सटायर मैनर में कॉमेडी रोनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गांव के वो अच्छी तरह सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे जरूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया है जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कठल नाम से भी जाना जाता है ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स ख़रीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते थे ओ टी टी रिलीज़ फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइज में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंचित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पर फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो हर्ष हर्षेरा ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रेरणा ने इस फिल्म की एडिटिंग की दो घंटे से कम का रन टाइम मिला हुआ है यानी यूएस सर्टिफिकेट मिला था वहीं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ संपत राम संपत ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए जहां पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहन्ती ने गाया हुआ था वहीं पे लाल लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ थे टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियल रिलीज करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सानिया मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद विज जोशी देखने को मिलेंगे एस पी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एम एल ए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राज पाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कांस्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तवा श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पर अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेश संस बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से रेपअप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉस मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था था टीज़र ट्रेलर में वो पसंद आया था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीजों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एम एल जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया जाता है इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कठहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है। सान्या मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटहल एम एल के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पे विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्म में रिवील की जाती तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था वह एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर डायरेक्टर ने बखूबी भी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स मूवेंट वो बढ़िया थे में, जोनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सभी चीजें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट ऑफ़ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशंस दिखाए हुए थे गांव के वो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन पैंसठ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कटल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कटल फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर कटल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री जिसको कटल नाम से भी जाना जाता है यह एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी नेटफ्लिक्स वालों ने राइट्स ख़रीदे हुए थे पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली थी लेटर वन फिल्म का जो थिएट्रिकल रिलीज़ है कैंसिल करवाते ओ टी रिलीज फिक्स किया हुआ था जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को डिसेंट प्राइस में बेचे हुए थे फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही बनाया हुआ था और हिंदी वर्जन में ही प्रीमियर करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी वो अशोक मिश्रा और यशवर्धन मिश्रा ने लिखी हुई है यशवर्धन मिश्रा जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भी किया हुआ है इसके अलावा शोभा कपूर गुनीत मोंगा एकता कपूर और अंकित जैन इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए जिन्होंने इस फिल्म को सीखा एंटरटेनमेंट बालाजी मोसन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी में प्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए नेटफ्लिक्स वालों को बेचा हुआ था डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए वहीं पे फिल्म के लीड कास्ट में आपको सानिया मल्होत्रा अनंत वी जोशी विजय राज राजपाल यादव ब्रिजेंद्र काला और नेहा शराब जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत तो हर्षवीर ने इस फिल्म की, की हुई प्रेरणा ने एक सौ घंटे से कम का, मिला का है। कि फिल्म आपको दो एक घंटे और मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला था वहीं पर फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ संपत राम संपत ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए जहां पे फिल्म के गानों के लिरिक्स थे वो अशोक मिश्रा ने लिखे हुए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे जिसके राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे नौ मिनट और सैंतीस से सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना था राधे राधे जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था वहीं पर ला लल्ली करके जो गाना था उसको अमजद बगदवा और सोना मोहत ने गाया हुआ था वहीं पर सोना मोहपात्रा के पास निकल रे करके गाना निखार चलो रे गाना भी गवाया हुआ था टोटल तीन गाने थे जिसके रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास थे जिन्होंने 9 मई 2023 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली रिलीज़ करवाया था तो ये पूरा एल्बम अगर आपको ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो यूट्यूब पे जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर फिल्म के लीड रोल में सानिया मल्होत्रा देखने को मिलती है जिन्होंने इंस्पेक्टर महिमा बसोर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी के रोल में आनंद वीर जोशी देखने को मिलेंगे एसपी अंग्रेज सिंह रंधावा का रोल गुरपाल सिंह ने प्ले किया हुआ है कुंती परिहार का रोल नेहा सराफ ने प्ले किया हुआ है एडवोकेट सुनील परिहार जो कुंती के हस्बैंड है उसका रोल संजय धातीज ने प्ले किया हुआ है एमएलए एल ए मुन्ना लाल पाटेरिया का रोल है वो विजय राज ने प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर अनुज सांगवी का रोल राजपाल यादव ने प्ले किया हुआ है गुलाब सेठ के रोल में रघुबीर यादव देखने को मिलते हैं कॉन्स्टेबल मिश्रा का किरदार गोविंद पांडे ने प्ले किया हुआ है श्रीवास्तवा श्रीवास्तवा का रोल है वो प्ले किया हुआ ब्रिजेंद्र काला ने वहीं पर अमिया के रोल में अपूर्वा चतुर्वेदी देखने को मिलती है चंदूलाल के रोल में रवि जंकाल ने काम किया हुआ है अमून की वाइफ का रोल है वो एकता सिंह ने प्ले किया हुआ है बलबीर बुंदेला इंस्पेक्टर का रोल है वो प्ले किया हुआ है लक्की खान ने तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें ऑफिशियली फिल्म को मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था और उसी मंथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और करीबन इस फिल्म को मई 2022 में पूरी तरह से ब्रेपअप करवाया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में फिल्म को कंप्लीट करवाया था दो महीने के अंदर इस फिल्म के काफ़ी बड़े शेड्यूल रखे हुए थे जहाँ पर पूरे शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे लोकेशन स बहुत कम चेंज हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को काफी लंबे लंबे शेड्यूल में पूरी तरह से रेप अप करवाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट सेंसर सर्टिफिकेस एडिटिंग के लिए काम करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत टीजर ट्रेलर भी रिलीज करवाए हुए थे नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे जिसके चलते फिल्म का टीजर है वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को नेटफ्लिक्स के इंडिया की यूट्यूब चैनल के प्रीमियर करवाया होता जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को भी काफी इंप्रेसिव रिस्पॉन्स मिला एक कॉमेडी जोनर के साथ चीज़ों को जो दिखाया जा रहा था टीजर ट्रेलर में वो पसंद आया था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिल्म में चीजें दिखाई गई वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेटअप की हुई थी वो काफ़ी अच्छा था जो टीजर ट्रेलर में आपको वो चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो पहले मैं आपको स्टोरी ऊपर से बता देता हूँ उसके बाद में डीप में चर्चा करेंगे सेमी रूरल गांव है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे एक एफिशिएंट फीमेल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर है जिसका रोल आपको पता है कि सान्या मल्होत्रा प्ले कर रही है उनकी टीम है वो एक ऐसे चोर को पकड़ने पकड़ने के लिए उनको के, उनके पास केस आया हुआ है कि जो दो जेक फ्रूट होते कटहल होते उसको चुरा के भागे हुए हैं और वो जिसके घर से चुराया हुआ है वो वहाँ का लोकल एमएलए जिस वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिडिकुलस केस की तरफ हमें इशारा करती है लो, उसके पीछे जब वो केस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा क्राइम नज़र आता है वीमेंस के अगेंस्ट तो अब पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और वहीं पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है किस तरह से उन लड़कियों को बचाते है? वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बनाता है इसको अगर हम डीप में बातचीत करें तो फिल्म की कहानी है वैसे देखा जाए तो दहाड़ वेब सीरीज आई थी उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही थी सेमी रूरल गांव उसमें एक इफ़िशेंट फीमेल पुलिस ऑफिसर और लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे उस एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है तो वो सभी चीज़ें दहाड़ फिल्म में भी थी इस फिल्म में कुछ उसी तरह है लेकिन कथल फिल्म में चीज़ों को कॉमेडी के साथ पहले दिखाया था जो मैटर है ओरिजिनल वो कुछ कॉमेडी सीक्वेंस के बाद आता है उसके बाद चीज़ें ओपन होती है तो वो सभी चीज़ों को उस तरह से हैंडल किया जाता है इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कटहल पूरी तरह से एक यंग पुलिस ऑफिसर यानी कि महिमा बसुर के ऊपर आधारित कहानी है सानिया मल्होत्रा वो रोल प्ले कर रही है जहाँ पे उसके एरियाज में जो का, का चोरियाँ हो रही है जो क्रिमिनल्स के साथ चीज़ें हो रही है तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास एक केस आता है जहाँ पे उस केस में जो दो कटल है एम के घर से चुराए हुए तो उस केस को सोल्व करने के लिए उनको कहा जाता है जब वो उस केस को सोल्व करने जाती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सीरियस चीज़ें उनके पास आती है जहाँ पर विमेंस के अगेंस्ट कुछ चीज़ें थी वहाँ पे कुछ एक लड़की के रिगार्डिंग कुछ चीज़ दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें फिल्में रिवील की जाती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चीज़ों को दिखाया हुआ है कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी बढ़िया थे उसके बाद में जो सीरियस फिल्म हो जाती है वो भी काफ़ी बढ़िया था और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी मेकर्स ने जिस तरह से डायरेक्टर ने जिस तरह से लीड कास्ट के पास सपोर्टिंग कास्ट के पास जो परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई फिल्म को काफ़ी नेचुरल रखता है हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में दिखाया गया था लेकिन ओवरऑल फिल्म को बाहर से देखे तो वन टाइम वॉचेबल ज़रूर है डायरेक्टर ने बखो भी काम अच्छा किया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे कुछ फनी मोमेंट्स है वो बढ़िया थे सीरियस जहाँ पे फिल्म होनी चाहिए थी तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है कुछ मैसेज डिलीवर किया हुआ है कुछ तंग कसे हुए गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट तो वो सभी चीज़ें सटायर मैनर में कॉमेडी कॉमेडीनर के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई तो वो सभी चीज़ें बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया तरीके से की गई थी वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स डिसेंट थे सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म के साथ जिस तरह से कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो टॉप नोट था जो लोकेशन दिखाए हुए थे गाँव के वो अच्छी तरह सेट किया हुआ था तो ओवरऑल एक वेल मेड वन टाइम वॉचेबल फिल्म है जिसे जरूर देख सकते हो इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों को राइट्स बेचे थे जिन्होंने इस फिल्म को 19 मई 2023 को ऑफिशियली हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया है जहाँ पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इसको एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को करीबन पैंसठ सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली दस में से अब इस फिल्म को अब देख तो जरूर सकते हो क्योंकि एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो कठल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्नीस मई दो से नेटफ्लिक्स वालों ने कठहल फिल्म को रिलीज किया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर कठल ए जे फ्रूट मिस्ट्री नाम के साथ ऑफिशियली इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो तो बस दोस्तों कटहल ए जेक फ्रूट मिस्ट्री फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म को कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी एक जानकारी दी हुई है फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है अलग अलग इस के ऊपर बातचीत की हुई है जो मैसेज डिलीवर किया हुआ उसके ऊपर भी चर्चा की हुई है साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैंने शेयर किए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू